208 रोज से दुनिया की सबसे बड़ी जेल में कैद कश्मीरी आजाद फजा में सांस लेने को तरस गए। बदतरीन कर्फ्यू और लॉकडाउन ने जिंदगी अजीरन बना दी। जबर से निजात के लिए 80 लाख कश्मीरियों की नजरें दुनिया पर लगी हैं। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू, जुल्म बर्बरियत का सिलसिला 208 रोज से जारी है। कश्मीरी खुली फजा में सांस लेने को तरस गए। वादी में प्रीपेड मोबाइल, एसएमएस और इंटरनेट सर्विसेज का हाल मौतल है। कारोबार बंद, स्कूल और सरकारी दफातर तलबा और अमले से खाली हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब। दूसरी जानिब चप्पे चप्पे पर भारतीय फोर्सेस की भारी नफरी तायुनात है। काबिज फौज खवातीन की असमत दरी बच्चों, बूढ़ों और जवानों को सर्च ऑपरेशन की आड़ में तशद्दुद का निशाना बना रही है। अब तक हुर्रियत रहनुमाओं समेत सैकड़ों कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तहम बाहिम्मत कश्मीरी हक खुद इरादियत की इस लड़ाई में जीत के लिए पुरअज़्म है। पांच अगस्त को मोदी सरकार ने कश्मीर को खसूसी हैसियत देने वाले भारतीय आइन के आर्टिकल 370A को खत्म करके मकबूजा वादी में कर्फ्यू नाफिज किया था, जिसके बाद मोदी सरकार को दुनिया भर में शदीद तनकीद का सामना है। ताहम भारत हर धर्मी बरकरार रखे हुए है। जबर से निजात के लिए 80 लाख कश्मीरियों की नजरें दुनिया पर लगी हुई है।